For more Bollywood gossips, hit the bell icon and never miss a video from Bollywood Spy. Thank you. This side. We did together. Thank you. Hello. हमने तो उसी दिन देख ली थी जब ही स्क्रीन की. बहुत ही अच्छी फिल्म है, बहुत प्यारी फिल्म है, बहुत ही अच्छी. मेरे लिए तो जब शक्ति कुमार ऑन स्क्रीन आते हैं तभी इतना मज़ा आता है उनको देख के. आई थिंक सबसे ज़्यादा एंटरटेनिंग एक्चुअली ये आपको उनका कैरेक्टर देख के आपको पता चलेगा कि कितनी एंटरटेनिंग फिल्म है. हाय हाय हाउ आर यू. हमें बताया कि आपने एक सॉन्ग भी प्रोग्राम किया. हाँ, वो भी बताया नहीं था आपने किसी को. किसी को नहीं बताया था, इट वाज अ सरप्राइज. आपने देखा जी? वही हमें पता किसी, लेकिन उन्होंने ज़ारा ने कुछ नहीं बताया. हाँ, मैंने लास्ट का जो सॉन्ग आता है मूवी में सेक्सी वाली, वो कोरियोग्राफ किया था. एंड आई केम टू बॉम्बे एज अ डांसर. Do Dangal happen and I became an actor, but dance is definitely my first love, and I'm so thankful to Amir sir, Advait and Shamat. उन लोगों ने जब भी decide किया कि and Fatima also, जब इन लोगों ने बोला choreograph करो तो I thought that मजाक कर रहे हैं, but I'm very grateful and happy कि मेरे को ये opportunity मिली. हमारी छोरी बहुत talented है. After this success, in fact, what I would say, पता नहीं, शायद खुद के गाने कोरियोग्राफ करूँ आगे फ्यूचर में. थोड़े प्रोड्यूसर्स के पैसे बचा दें. फातिमा दंगल में आमिर की बेटी बनी थी, फिल्म बहुत सक्सेसफुल रही. अब आप थम्स अप हिंदुस्तान में काम करें, उसके बारे में जानना चाहेंगे किस तरह का किरदार है, क्या क्या प्रोग्रेस है फिल्म की. शायद मैं आप लोगों को एक बार शूट करने देखा था आमिर. आपने देखा? अच्छा, लुक पे गेटअप में. अच्छा, आपने देख. मैं ज़्यादा कुछ बोल नहीं सकती हूँ कैरेक्टर के बारे में, बट अभी टाइम है, काफ़ी टाइम है, अगले साल रिलीज होगी. तो आई एम वेरी हैप्पी, वेरी एक्साइटेड, एंड आई एम वेरी फॉर्चुनेट टू बी वर्किंग विथ अमित सर. ही इज़ अ लेजेंड, और उनके साथ काम करने मिल रहा है. और विक्टर सर बहुत अमेजिंग डायरेक्टर है. फोटोग्राफ. हाँ, मैं मूवी कर रही हूँ नवाजुद्दीन सिद्दीकी के साथ, और डायरेक्टर रितेश बत्रा हैं जिन्होंने लंच बॉक्स और अभी आवर सोल्स एट नाइट बनाया. अभी शूट चल रहा है और बहुत मज़ा आ रहा है. आप लोग भी काफ़ी उदास लग रहे हो क्या? एकदम सीरियस. रात को 11 बज गए, शूट कर कर आए, थोड़ा थके. मेरा कल शूट है एक्चुअली. किसका? का. तो हम लोग फोटो मैं बहुत शार्प हूँ, मैं बहुत चालाक हूँ, मैं एकदम शातिर हूँ, देखती हूँ, समुराई बन चुकी हूँ. हाँ जी, अरे या आप ही बोल रहे हो, और कोई बोलता नहीं है. अभी तो आप तो मतलब चलो चलो दोस्तों, रात हो गई है, गुड नाइट. इस साइड से थोड़ा सा लगता है, थोड़ा सा क्लोज इस तरह साइड. थैंक यू. अरे आप दोनों क्या हुआ? हाँ, तो इन्होंने इधर इधर आइए. हाँ, साथ में.
क्या बोल रहे हैं आप? बोल रहा हूं भाई, हाउ आर यू? आप कुछ नहीं नहीं कोई नहीं मैं तो टेक्नोलॉजी। अरे मैं फिल्म के बारे में बात करते हैं ना। जी जी मुझे बताइए सर। बहुत यस ऑफ कोर्स। हाउ वाज द रिएक्शन एंड व्हाट यू फेल्ट अबाउट इट? आई थॉट इट वाज एन अमेजिंग फिल्म। आई थिंक द टॉपिक दैट इट डेल्ट विद, आई थिंक अद्वैत हैंडल्ड इट विद इमेंस ईज एंड रियली रियली वेल। आई थिंक गिविंग अ मैसेज अक्रॉस, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट हाउ यू गिव इट, and it really touched a lot of chords. The performances were fantastic, and I think Aamir sir was just phenomenal. Kuch impactful message rahega is film ka? Are bilkul, bahut impactful message hai, bahut important message hai. The fact that there's abuse like this that happens in the country, so I think it's amazing that a film like this Mr. Aamir Khan can back, get out there. It really reaches a lot more places. And you seem to be very conscious about Maintaining. Thank you. You also look good. Congratulations to all of you. Thank you so much, and we really want to thank हमारी audience को हम thank you बोलना चाह रहे हैं कि इस film को इतना प्यार दिया, इतनी मोहब्बत दी, लोगों को इतनी पसंद आ रही है, और हमें बेहद खुशी है इस बात से। थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू। वापस एक बार साथ में काम करेंगे? अब इतने बोला है मैं कि मतलब वापस से और गाना भी बुलाऊंगा। नो नो, आई वुड लव दैट। आई होप कि जो अगली कहानी कौशल, हाँ कब करो, आई होप कि जो अगली कहानी अद्वैत लिखते हैं वो उसमें मुझे भी एक मौका मिले दोबारा, और हम सबको दोबारा मौका मिले। Fingers crossed. Now you said like he's a secret superstar जी, for you. What it means? No, I said he's the secret superstar for me, and I said Kiran ma'am is also a secret superstar for me. Whatever I've learned today, whatever I've been able to do has been because of what I've learned from Aamir sir and Kiran ma'am, and I'm really lucky that I had these two people in my life, and I continue to do so. No, and we are lucky to have him in our life. ये सफलता क्या मायने रखती है आपके लिए? बहुत मायने रखती है, क्योंकि ये एक फिल्म है जो हमने अपने दिल से बनाई थी, और जब लोग इस फिल्म को देखते हैं और इतना पसंद करते हैं, और हर तरफ से, चाहे वो क्रिटिक्स हों, चाहे वो ऑडियंस हो, चाहे हमारे बिरादरी के लोग हों, सभी को इतनी पसंद आई है, तो बेहद खुशी होती है हमें। और जो हमने काम किया है, सभी ने जो काम किया है, लोगों को इतना पसंद आ रहा है, और जिस चीज़ के लिए एज़ क्रिएटिव पीपल जिस चीज़ के लिए हम काम करते हैं वो यही चीज़ है, और बहुत खुशी हो रही है। मैं बोल चुकी हूँ, ऑल आई कैन से इज थैंक यू, नॉट जस्ट टू देम बट टू ऑल द पीपल जिन्होंने फिल्म को इतना प्यार दिया है। नेक्स्ट स्टेप सोचते हैं अभी। थैंक यू गाइस, थैंक यू, थैंक यू सर। एक वीडियो टुगेदर Thank you.
हेलो बहुत मुबारक, फिल्म को बहुत पसंद किया जा रहा है, क्रिटिकल एक्लेम भी मिला है, आप थैंक यू, खुश नजर आ रहे हैं, आज पार्टी है। सबसे पहले जानना चाहेंगे क्या किस तरह से व्यक्त करना चाहेंगे अपनी खुशी। एक्चुअली ऑडियंस की रिएक्शन हमारे लिए सबसे अच्छी होती है एंड ऑडियंस रिएक्शन बहुत ही अच्छी आ रही है हमें। जहाँ भी हम ऑडियंसेस के साथ हमने देखी है, लोग हमें टेक्स्ट कर रहे हैं, मैसेजेस आ रहे हैं सबको, तो इसलिए हम सब खुश हैं। फिल्म बहुत प्यार से बनी है और जब लोगों को पसंद आती है तो लगता है कि हम कामयाब हुए। मैंने भी फिल्म देखी, मुझे बहुत पसंद आई, बहुत इमोशनल मोमेंट्स भी हैं, बहुत फनी मोमेंट्स भी हैं आमिर खान के साथ। आपका एक फेवरेट मोमेंट कौन सा है फिल्म आई थिंक बहुत सारे फेवरेट मोमेंट्स हैं क्योंकि मैं शूट पे भी थी तो मुझे अलग अलग फेवरेट मोमेंट्स याद आते हैं। जब टेरेस पे इंसिया और चिंतन की बातचीत होती है वो मेरा एक फेवरेट मोमेंट है। हमने बड़ोडा में अलग अलग जगह शूट की थी तो वहाँ जो जहाँ जहाँ हम लोगों ने जैसे उन लोग बहुत कुछ फिल्म में थी भी नहीं लेकिन उनके मोमेंट्स जब वो साथ में बड़ोडा में घूमते हैं, वो उसके घर जाती है, मुझे मेरे लिए वो फेवरेट मोमेंट्स थे। पर फिल्म में मुझे सबसे फनी वो मोमेंट लगा जब शक्ति कुमार और इंसिया वो गाड़ी पे बैठ के बातचीत करते हैं और वो कहते हैं कि आपकी और मेरी कहानी बिल्कुल सेम है और फिर वो जो कहते हैं वो बिल्कुल सेम ही नहीं है उनकी कहानी और वो कहती है तो सेम कैसी हुई और वो ट्रैक ही बदल देता है। मुझे वो बहुत फनी लगी। हाँ एक छोटा सा टेयर है कार्टिलेज में, कुछ नहीं है, नॉट नहीं नहीं कुछ नहीं, एक्चुअली ओवर यूज, एक हम लोग एक हाथ ज़्यादा यूज़ करके होता है यूजुअली, हम लोग को अकर नहीं होता है कि हम लोग राइट हैंडेड होते हैं तो राइट ही से सब करते हैं और लेफ्ट की को यूज़ नहीं करते, इसलिए कुछ सीरियस नहीं है बिल्कुल। थैंक यू। अद्वैत साइड, एक्चुअली अद्वैत हैज अद्वैत की पहली फिल्म है तो वो बहुत खुश है एंड वी वॉन्टेड टू आई मीन वी फॉर अस इट्स द लॉन्च ऑफ अनदर काइंड ऑफ सुपरस्टार, यू नो, अ राइटर डायरेक्टर हु इज एंटायरली न्यू कॉन्टेंट, एंटायरली हिज ओन बेबी, तो फॉर हिम इट्स अ मोमेंट ऑफ इवन बिगर प्राइड दैन फॉर अस। या टुनाइट वी आर द गेस्ट, एक्चुअली हमारी फिल्म के ही लोग हैं और कुछ फ्रेंड्स जिन्होंने अद्वैत जिनको अद्वैत ने बुलाया है, सो यू सम फ्रेंड्स फ्रॉम द इंडस्ट्री बट आई डोंट नो हु इज कॉल्ड एग्जैक्टली, सो मस्ट बी फ्रेंड्स ऑफ आवर्स ऑल कॉमन फ्रेंड्स। हाँ हाँ अभी लिखना जारी है, अभी मैं थोड़ा अपना आई वॉन्ट टू गो इन टू माई शेल एंड राइट, लिखना एक मैं एक्चुअली लेखक हूँ नहीं तो मुझे लिखने में और ज़्यादा वक्त लगता है, तकलीफ़ भी होती है, तो मैं थोड़ा और वक्त लूँगी, अभी जल्दी है, अभी मैं बोल नहीं पाऊँगी लेकिन काम कर रही हूँ एक स्क्रिप्ट पर, अभी तो बहुत बहुत अर्ली है, मैं कह नहीं सकती। थैंक यू। हाँ जी आई रियली होप सो, आई मीन इट हैज लाइक यू सेड बीन अ बिट ऑफ अ लल एंड वी हैव वेरी एक्साइटिंग प्रोजेक्ट्स कमिंग अप, आई मीन वी लाइक यू सेड पद्मावती, आई मीन अर्ली नेक्स्ट ईयर वी हैव राजू हिरानी'स फिल्म कमिंग, सो आई थिंक देर इज लॉट्स ऑफ फिल्म टू लुक फॉरवर्ड टू विच वी होप विल गिव द इंडस्ट्री लॉट्स ऑफ रीजन टू सेलिब्रेट। एंड वी सॉ योर सन आल्सो आउटसाइड द सैलून, बट आफ्टर फोटोग्राफ ही अलोन वाज लाइक, नो आई हैड ड्रॉप्ड हिम एंड देन आई हैड टू एक्चुअली गो एल्सवेयर, टू गो समवेयर एल्स, सो या ही I had to go to Rani's father's memorial. So I dropped him there and he went for a haircut. Like every other kid, the day before school opens, baal chote karne padte hain. Aashwati, kaise photographs hone lage, matlab jhula photo, the gym photo and everything. Yeah, abhi to, haan, abhi aapko, I think, itne
जल्दी फोटोज आते हैं कि आपको पता नहीं चलता व्हेन व्हाट वाज टेकन बिकॉज इट्स लाइक एट द स्पीड ऑफ लाइफ यू नो कवरेज. सो लाइफ भी ज़्यादा तेज़ भागने लगी है और कवरेज भी उतनी तेज़ भागती है तो कभी पता नहीं चलता किस चीज़ के लिए क्या कहाँ कौन यू नो किस फंक्शन में कहाँ कौन है. तो कोई हम लोग जो जाते हैं हमें तो याद है लेकिन जो देखते हैं मुझे लगता है वो काफ़ी सैचुरेट हो गए होंगे ये सब देख के. है नहीं नहीं है हाँ हो तो गए होंगे पर ये हमारा काम है तो हम करते हैं लेकिन हाँ जी नहीं इनफैक्ट मुझे मैं आप ही के इंडस्ट्री से हूँ मुझे लगता है मतलब वी आर ऑल इन द सिमिलर फील्ड तो ये काम है फोटोग्राफर्स का न्यूज़ गैदरर्स का तो मुझे मैं बॉदर नहीं होती हूँ. मुझे कभी कभी जब यू नो लोग छुप के फ़ोटो लेते हैं तो फिर इरिटेट होता है. आप सामने से लीजिए तो मैं खड़े होके देती हूँ मोस्टली मैं कभी ना नहीं करती लेकिन छुप के जब लेते हैं तो थोड़ा प्रिवेसी का जो मामला है वो थोड़ा गड़बड़ हो जाता है आई फील. थैंक यू सो मच फॉर बीइंग अंडरस्टैंडिंग एंड एम्पैथेटिक. नो नो अरे प्लेजर थैंक यू थैंक्स. हैव यू ऑल सीन द फिल्म? यस या व्हाट डू यू थिंक? लवली गुड फिल्म अमेजिंग. हां जस्ट पोज फॉर द कैमरा. या श्योर ऑन द शॉट्स गोइंग टू वॉच दैट थिंग. ओह वेट या Come.
आप दोनों को संस्कृत बहुत मुबारक हो की आपकी बहुत तारीफ मिल रही है आपको भी हिंट और जायरा आपको मिली है और लगातार रोज प्रमोशन भी चल रहा है किस तरह से सक्सेस को एंजॉय कर रहे हैं आप दोनों हम लोग तो हमें रियलाइज़ हो ही नहीं रहा एक्चुअली जो भी हो रहा है पर ऑल आई कैन से इज़ वी ऑल आर वेरी हैप्पी हमारी फिल्म को बहुत ज़्यादा प्यार मिल रहा है और बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है और अगर आप पूछे हम कैसे सेलिब्रेट करते हैं मैं और अद्वित रोज़ जाके थिएटर में फिल्म देख के आते हैं बहुत मज़ा आ रहा है और इतना अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है मूवी को हर कैरेक्टर को इतना अच्छा प्यार मिल रहा है तो हम लोग बहुत खुश है कि हमारी मूवी को इतना अच्छा प्यार मिल रहा है और इतने अच्छे कैरेक्टर्स को भी इतना प्यार मिल रहा है आप दोनों की बहुत ही एक अच्छी केमिस्ट्री दिखाई गई है फिल्म में बहुत क्यूट सी लव स्टोरी भी है किस तरह के कॉम्प्लीमेंट मिले आप दोनों के किरदारों को अगर पूछा जाए तो सबको बहुत अच्छा लगा है बहुत ही क्यूट बॉन्ड है जो फिल्म में है और आई थिंक आई नो इट के जो तीर्थ है वो रियल लाइफ में भी चिंतन है मतलब जिस जो वो स्क्रीन पे दिखा रहा है ही इज जस्ट बीइंग हिमसेल्फ लाइक्स ही इज जस्ट बीइंग हिमसेल्फ ऑन स्क्रीन लाइक कॉम्प्लीमेंट्स वियर्ड मिल रहा है फ्रेंड्स वियर्ड स्पेशली हाँ मतलब फ्रेंड्स के सही फ्रेंड्स की तरफ से बहुत वियर्ड कॉम्प्लीमेंट मिलता है पर वियर्ड कॉम्प्लीमेंट्स लेने में भी एक मज़ा आता है सो अच्छा लग रहा है नहीं मैं इसलिए बोला ना मैं फ्लर्टी नहीं हूँ मैं पहले बोला जी हाँ जी लगा बहुत ही अच्छा लगा बहुत अच्छा लगा सबको पसंद आ रहा था और एवरी वॉज लाइक एंजॉइंग द मूवी आई सबको बहुत अच्छी लगी मतलब अब तो करीब करीब एक हफ्ता होने आ गया फिल्म को रिलीज अभी भी इतनी लोग प्रशंसा कर रहे हैं यानी कि अच्छी बात है जी बहुत ही अच्छी बात है और मैं खुश भी हूँ कि फिल्म को बहुत प्यार मिल रहा है बट एट द सेम टाइम आई एम लिटिल अपसेट ऑफ द फैक्ट कि हमारी जो सीक्रेट सुपरस्टार की जर्नी है वो ख़त्म हो रही है आई डोंट थिंक मैं इन लोगों को फिर से देख पाऊँगी बट क्या कर सकते हैं आपको लगता है हाफ सेंचुरी कंप्लीट होगी? पता नहीं पर व्हाट मैटर्स इज कि लोगों को फिल्म सबसे ज्यादा पसंद आ रही है वो बहुत इम्पोर्टेंट है नंबर्स डोंट मैटर बट फिल्म सबको पसंद आए वो अच्छी बात है एक सवाल मेरे मन में है कि फिल्म में जो क्यूट सी लव स्टोरी दिखता है आप लोगों का फेवरेट मोमेंट क्या है फिल्म में साथ में चिंतन वो ताला हम लोग जब देखते हैं राइट वही होगा चिंतन या ताला हाँ तो वही है सो जब हम लोग जाते हैं बंक लाइक ये जाती है बंक करने के लिए मैं उसको हेल्प करता हूँ और तब वो ताला दिखता है तो वो हमारे लिए बहुत फेवरेट मूवी था क्योंकि हम लोग बार बार वही बोलते रहे चिंतन यहाँ पे ताला है चिंतन यहाँ पे ताला है तो वो हमारे लिए बहुत फेवरेट मूवी आई डोंट माइंड पर मुझे इन दो फिल्म्स में बहुत मज़ा आया आई होप आगे भी मुझे उनके साथ काम करने को मिले मुझे उनसे बहुत कुछ सीखने को मिला है आपके दंगल के को-स्टार्स से क्या रिएक्शन रहा सानिया दे रियली लाइक द फिल्म सबको फिल्म बहुत पसंद आई है और सानिया दी ने तो एक गाना कोरियोग्राफ भी किया था सेक्सी बलिया जो सीक्रेट सुपरस्टार के एंड पे आता है वो उन्होंने कोरियोग्राफ किया था यस शी इज अ फैंटास्टिक डांसर शी इज अ फैंटास्टिक डांसर तो वही उन्होंने स्टेप्स इस फिल्म के कोरियोग्राफ किए आगे भी आप फिल्म में करियर जारी रखेंगे शांति आगे भी फिल्म करियर आप जारी रखेंगे आई डोंट नो मैं मुझे दो दिन तक का आगे का नहीं पता होता आप आगे का पूछ रहे पर मैं अभी इस प्रोसेस को जो हमें मिल रहा है रिस्पॉन्स मिल रहा है मैं उसको इन्जॉय करना चाहूँगी लेट्स सी आगे क्या होता है मैं अभी फिलहाल तो मैं अपनी स्टडीज़ पे कॉन्सेंट्रेट करना चाहता हूँ और उसके बाद देखते आगे क्या होता है लेट्स सी आप जाएं उसे डू यू थिंक दिस इज द परफेक्ट बर्थडे गिफ्ट फॉर यू एब्सोल्युटली मुझे तो प्री बर्थडे गिफ्ट मिल गया था सीक्रेट सुपरस्टार और मेरा आई थिंक लाइफ टाइम ही रहेगा ये बर्थडे गिफ्ट दिस इज वन ऑफ द बेस्ट बर्थडे आई हैड एनी केक प्लान्स फॉर द केक अपस्टेयर्स मेरा बर्थडे तो चला गया अभी मैंने केक काटा अभी वो मैं जाती हूँ ना देख के आती हूँ थैंक यू सो मच Yeah,
कमाल का रिस्पांस है, कमाल का। मुझे उम्मीद थी कि बहुत सारे लोग नफ़रत करेंगे और बहुत गालियाँ पड़ेंगी, लेकिन नफ़रत भी मिल रही है और साथ साथ प्यार भी मिल रहा है। बहुत सारे मिक्स इमोशंस हैं एंड आई एम हम्बल्ड एंड ग्रेटफुल एंड आई एम ऑनर्ड। थैंक यू वेरी मच। इट इज़ एक्चुअली एन अचीवमेंट इन अ वे, इन अ वे इट इज़ अ बिग अचीवमेंट फॉर मी। और जितनी ज़्यादा नफ़रत मिल रही है उतना लग रहा है कि चलो सही राह पर थे और जो कोशिश की थी वो जो है सार्थक हुई और शायद अपने मुकाम पर और इतनी चीज़ों में कामयाब हो पा रहे हैं कुछ हद तक। इतना नहीं सोचा था, इतना नहीं सोचा था। सोचा था काम ठीक ठाक हो गया, करते करते सबको एहसास हो जाता है कि काम कैसा हुआ कैसा नहीं हुआ। तो करते करते लग गया था कि काम ठीक ठाक हो गया, एक सही लाइन पर हूँ। इतनी नफ़रत मिलेगी, इतनी नफ़रत मिलेगी, लोग गालियाँ दे रहे हैं। ए कैप्टन ऑफ द शिप तो यही है और लोग गालियाँ दे रहे हैं। किसी कोई ये बोल रहा है कि अगर आप सामने आ जाओ तो आपको गोली मार दूँ, कोई ये बोल रहा है मारना चाहता हूँ, कोई ये बोल रहा है कि जो है आपसे ज़्यादा बुरा आदमी हमने देखा नहीं है। तो ये सब हो रहा है तो बड़ा बड़ा मज़ा आ रहा है, बहुत इंजॉय कर रहा हूँ मैं। इस कैरेक्टर के बारे में मेरा पर्सनल ओपिनियन क्या है, अभी तक मैं इसको गलत नहीं मानता हूँ, सच बताऊँ तो। हाँ, मेरे हिसाब से ये गलत आदमी है नहीं, वो उसकी लाइफ का ढर्रा है। और क्या होता है कि एक मिडिल क्लास फैमिली के किसी भी फादर को आप उठा लेना तो उसके ऊपर उस बहुत सारी जिम्मेदारी होती है उसके शोल्डर्स पर, और एक पूरा परिवार चलाना है, और वो जिस तरह की परवरिश उसकी हुई है वो उसी तरह से अपने बच्चों को बड़ा करता है। तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है कि एक खाके में रहते हैं हम, तो बच्चों को बड़ा करना है, स्कूल भेजना है, खिलाना है, पिलाना है, यहाँ बिठाना है, उसके बाद उसकी शादी करनी है, और उसके बाद मुझे अपने घर में दूसरी जिम्मेदारियाँ संभालनी है। यही इसी का तरीका है सोचने का। तो इसको मैंने इस तरीके से देखा था। एक्चुअली राज को हमने डिसाइड किया था कि राज जब ये कैरेक्टर प्ले करेंगे तो वो एज अ विलन नहीं प्ले करेंगे, वो अपनी स्टोरी के हीरो प्ले करेंगे। तो आई थिंक दैट ही रिलेट्स टू द फादर स्टिल एट सम लेवल, ही इज ट्राइंग टू गेट इनटू द फादर्स स्किन एंड अंडरस्टैंड कि वो फादर किस तरह से सोचता है। आई थिंक दैट्स व्हाट ही इज ट्राइंग टू से। थैंक यू, थैंक यू। पहली फिल्म सफल रही और आप खुद ही आज यहाँ पे मतलब सक्सेस पार्टी दे रहे हो, प्रोड्यूसर्स तो यार एक्चुअली आई एम वेरी एक्साइटेड, आई हैव गॉटन सच अ गुड वेलकम फ्रॉम द इंडस्ट्री। एवरीवन हु वॉच्ड द फिल्म कॉल्ड मी अप और मैसेज मी, एंड दैट्स अ वेरी बिग डील फॉर मी। मैं वो आदमी हूँ जो ऐसे खड़े होता है ना जब शूटिंग चलती है और फिर सिक्योरिटी हटा देता है, मैं वो आदमी हूँ। यू नो, सो फॉर समवन लाइक मी टू गेट अ मैसेज फ्रॉम करण जौहर, फ्रॉम सूरज बजातिया, फ्रॉम आलिया, इट्स अ वेरी बिग डील। सो द फैक्ट दैट आई हैव बीन वेलकम इन द इंडस्ट्री इज रियली नाइस एंड ओवरवेलमिंग, एंड आई थॉट नाइस टू जस्ट हैव अ पार्टी एंड सेलिब्रेट। यार एक्चुअली सीक्रेट सुपरस्टार मेरी मॉम है, आमिर सर हैं, किरण मैम हैं, बहुत सारे सीक्रेट सुपरस्टार हैं मेरी लाइफ में। यार एक्चुअली आई स्टिल हैवंट गॉटन इनटू द पार्टी, आई थिंक आई एम गोना पार्टी टिल टुमारो मॉर्निंग। तो अभी तो पार्टी शुरू हुई, अभी तो शुरू हुई है। आपने नया ट्रेंड शुरू कर दिया जी, कौन सा डायरेक्टर सब मतलब
नहीं ऐसा नहीं है, आज मैंने पार्टी शुरू की है, कल शायद कोई और पार्टी शुरू कर ले, तो आई होप के कल यार अभी ये पार्टी कर, मुझे भी तो करना है, अभी मेरे बारे में हम सब कर रहे हैं, तो इट डजंट रियली मैटर कौन करता है एज फार एज वी ऑल पार्टी। हाफ सेंचुरी की आशा है? देखिए एक्चुअली जो जिस बात की मुझे आशा थी वो मुझे मिल चुकी है, व्हिच इज दैट द काइंड ऑफ रिस्पॉन्स आई एम गेटिंग, यू नो इट्स द नेचर ऑफ रिस्पॉन्स आई एम गेटिंग फ्रॉम द इंडस्ट्री, फ्रॉम ऑडियंस, फ्रॉम क्रिटिक्स, तो एक्चुअली आई एम ऑलरेडी रियली हैप्पी, आई एम ऑलरेडी ऑन क्लाउड नाइन। हमारी भूख ये थी कि हम एक बहुत अच्छी फिल्म बना लें, वो बना ली, लोगों ने रिसीव किया है, सब पीपल डोंट लाइक राज, तो आई एम फीलिंग फाइन। अद्वैत राजकुमार ईरानी से लेकर करण जौहर, बहुत सारे डायरेक्टर्स, सबने आपकी बहुत तारीफ की है, इंडस्ट्री की नजर अब आप पर लग गई है कि एक बहुत टैलेंटेड डायरेक्टर आया है, पहली फिल्म के साथ ही क्रिटिकल एक्लेम मिला है उसे, तो नेक्स्ट क्या थोड़ा हम जानना चाहेंगे, बहुत भार आ गया है, पता नहीं यार, आई एक्चुअली जो मैं पहले भी चाहता था, जो मैं अब भी चाहता हूँ कि आई होप कि आमिर सर डायरेक्ट्स एंड आई कैन बी हिज डीए, आई वांट टू बी हिज असिस्टेंट, बिकॉज तारे पे आई वाज असिस्टिंग इन प्रोडक्शन, मैं किरण मैम का असिस्टेंट था, तो आई होप कि आमिर सर डायरेक्ट्स सून एंड आई गेट टू असिस्ट हिम, दैट्स एक्चुअली आई थिंक व्हाट आई लव टू डू। हाँ नहीं यार आमिर सर कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं साइन करते, आई विश कर लिया होता कि कॉन्ट्रैक्ट सर मैं आपका डीए बनूंगा, मैं खुद ये सोच रहा था कि वो एक्टर्स के लिए भी एक ऐसी हमारी कर ले कि हम आपके साथ ही काम करेंगे, जो एक्टर्स हैं उनका काम जो है सब आमिर सर की कंपनी संभालेगी, तो हमारा टेंशन ही खत्म हो जाएगा। Yeah, I mean, right. I hope, I really hope that I get to work with Aamir Khan Productions again. Any plans for the sequel? I mean, can we expect कुछ ऐसे? Sequel? Yeah. नहीं यार sequel सोचा मैं रियाद से वापस आ जाऊँगा। हाँ नहीं। सुधर के साथ। Sequel तो सोचा नहीं है। I think that this is a good end and for the story. आप रियाद से वापस आएंगे बहुत भयानक होगा। नहीं मैं अच्छी बीवी लेके आऊंगा एक साथ में। राज अपन बाद में लिखते हैं। एक्टर्स इतने लालची होते हैं कि पहले ही अपनी प्लानिंग कर लेते हैं सारी। एक बीवी बना ली, एक रियाज से वापस आ गया, सब मैं अपने पे सेंटर कर रहा हूँ, उनको भूल ही गया मैं। इंपैक्टफुल मैसेज रहेगा ये सोसाइटी के लिए आने। आई होप सो, आई होप दैट द मैसेज दैट वी हैव ट्राइड टू गिव आउट इन द फिल्म, आई होप दैट गोज टू एवरीबॉडी। Anyone who I'd like to direct now? Yeah, actually, I think I directed Aamir sir in a very small role, and I wish I could do a big film with him where he's the lead, because it was very exciting to direct him, but it was a small role, so I hope I can direct him. Aamir sir. Okay, sorry. Excuse me. और कोई इनके अलावा? और कोई इनके अलावा? यार अब मैं actually I'll tell you. Right now I'm in so in love with my cast, I want to direct them again. Again I want to direct Zaira, again I want to direct Teeth. Because itna maza hai is cast ke saath kaam karne mein. It's such a fresh energy, you know. The kind of performances that Raj has done, or Teeth has done, or even Guddu has done, Zaira has done, Meh has done. I had such a good time working with this energy, you know, and this kind of performance. So right now I really love my cast and I wish I can direct them again. With other banners also, people got? I'd love to work with Aamir Khan Productions again, so. Fingers crossed. What we can expect upstairs tonight? I hope मैं बहुत ज़्यादा दारू ना पीऊँ, बट काफ़ी पीने वाला हूँ। केक पता नहीं यार, केक तो मैंने लाया नहीं, केक आपने? मैं वो लेके आया, मंगा लेते, केक मंगा लेना, बुके लेके केक मंगा लेते हम लोग। थैंक यू, Thank you. Okay.
آپ نے دیکھی فلم کیسی لگی آپ کو؟ جی جی ہم لوگ بہت خوش ہیں کہ لوگوں کو فلم اتنی پسند آئی ہے اور جو جو ہم کو ریئیکشن ملے ہیں. آپ لوگ بھی جو تھیٹر کے باہر ریئیکشنز لیتے ہیں وہ بھی میں نے دیکھے ہیں, تو بہت خوشی ہوئی مجھے کہ سبھی لوگوں کو یہ فلم, اور ادویت کی یہ پہلی فلم ہے تو ادویت تو بہت ہی خوش ہے, انڈسٹری کے لوگوں کو بہت پسند آئی اور کرٹکس کو بہت پسند آئی, تو سب جگہ سے تعریف آ رہی ہے. تو آئی تھنک ادویت از ویری ایکسائٹیڈ اینڈ ہی از تھرون ہز فرسٹ پارٹی. آئی ایم ویری ہیپی ود دا سکسیز آف دا فلم, ود دا ریئیکشن ٹو دا فلم اینڈ ود دا ریئیکشن ٹو مائی کیریکٹر. آئی ایم ریئلی تھرلڈ. آئی ایم ریئلی ہیپی. نہیں, ادویت کے لیے تو مجھے بے حد خوشی ہو رہی ہے کیونکہ پچھلے 10 سال سے میں اس کو جانتا ہوں اور کسی نہ کسی طرح وہ ہمارے ساتھ کام کر رہا ہے, تارے زمین پر سے, پھر دھوبی گھاٹ پہ کام کیا, پھر میرے ساتھ 4 سال کام کیا. تو کرن اور مجھے, ہم دونوں کو بے حد خوشی ہے کہ ادویت جو ہے اس کا جو پہلا قدم ہے انڈسٹری میں وہ اتنا شاندار رہا ہے اور اتنی بہترین فلم بنائی ہے اس نے جو لوگوں کو اتنی پسند آ رہی ہے, لوگوں کے دل کو چھو لیا ہے اس نے اور وہ لوگوں کے دل میں اتر گیا ہے ایز اے رائٹر اینڈ ڈائریکٹر. تو آئی ایم ویری پراؤڈ آف ہم, ویری ہیپی فار ہم. او دیٹس, مجھے بتایا نہیں اس نے, بٹ آئی ووڈ لو ٹو ڈو دیٹ. ہاں, نو آئی تھنک ادویت واز رائٹ, بیکاز جس طرح سے مجھے رسپانس ملا ہے اس کردار کے لیے, پیپل ہیو ریئلی انجوائڈ مائی کیریکٹر اینڈ میں نے تھیٹر میں بھی دیکھی ہے فلم آڈینس کے ساتھ اور لوگ خوب ہنس رہے ہیں, خوب انجوائے کر رہے ہیں اینڈ جو ایک دل سے ہنسی نکلتی ہے, سو دیٹ کیریکٹر از ویری انٹرٹیننگ اینڈ آئی تھنک دیٹ آئی ایم ہیپی کہ ادویت نے مجھے کنونس کیا یہ کیریکٹر کرنے کے لیے. ہاں, سوری, نمبرز نمبرز گیو از ون یارڈ اسٹک, یا نمبرز از ون یارڈ اسٹک اباؤٹ دا سکسیز. اینڈ اگر ہم نمبرز دیکھیں تو جو فلم کی کاسٹ ہے اس کا ڈبل ہم آلریڈی کر چکے ہیں, تو مطلب جو انڈسٹری نارمز ہے اس میں تو یہ سپر ہٹ کہلائے گی. عام طور سے جو فلمیں اپنا پیسہ کما لیتی ہیں اسی کو ہم ہٹ بول دیتے ہیں, تو یہ تو جو کاسٹ ہے فلم کی اس سے ڈبل آلریڈی ہو گیا ہے. ہاف سینچری, ویل آئی ہوپ کہ دا فلم, ہم یہ فلم تو ابھی چل رہی ہے بٹ آئی ایم سیئنگ ایز آئی سیڈ نمبرز میرے لیے اتنے کبھی امپورٹنٹ نہیں ہوتے. جو لوگ نمبرز میرے لیے ہمیشہ یہ امپورٹنس رکھتے ہیں کہ جو ہم انویسٹ کرتے ہیں فلم میں اس کے اوپر ہم ایک پروفٹ کمائیں, اور ہر فلم کی اپنی بجٹ ہوتی ہے, رینج ہوتی ہے, سو آئی ایم ویری ہیپی ود دا سکسیز آف دا فلم. یا اٹس ڈوئنگ ویری ویل انٹرنیشنلی آلسو اینڈ آل اوور دا ورلڈ ایکچولی, جو ریئیکشنز آ رہے ہیں تو ہر طرح سے ہر جگہ سے, اٹس ڈوئنگ ویری ویل اوورسیز اینڈ ایک دو مہینے میں چائنا میں بھی ریلیز ہوگی. بالکل, یہ دیوالی جو ہے بہت ہی فائدے مند ثابت ہوئی ہے, گول مال بہت بڑی ہٹ ہوئی ہے اور سیکرٹ سپر اسٹار بہت کامیاب ہوئی ہے. آئی تھنک ایک اور فلم ہے جو چلی ہے جڑوا ٹو, ہاں 2 ہفتہ پہلے جڑوا ٹو چلی ہے, تو ایک اچھا پیریڈ آیا انڈسٹری کے لیے. جی ہاں بالکل آشا ہے, میں نے ٹریلر دیکھا اس کا پدماوتی کا, بہت ہی شاندار ٹریلر ہے, اور سلمان کی فلم آئے گی کرسمس پر ٹائیگر زندہ ہے, تو یہ فلمیں جو آنے والی ہیں اس سے ہمیں امید ہے. نہیں نہیں, میرا خوشی, کوئی بھی اچھا دن مل جائے ریلیز کے لیے اس پہ ہم ریلیز کرتے ہیں. جی جی جی, ہمیشہ سے رہیں, میرے تو ہمیشہ سے رہیں کارڈیل ریلیشن سب کے ساتھ اور سبھی اچھا کام کرتے ہیں. جی ہاں جی, ہماری فلم چائنا میں بھی ضرور ریلیز ہوگی اگلے ایک دو مہینے کے اندر, تو اس کی پلاننگ ابھی چلے گی, اس کی شروع ہوگی پلاننگ. ظاہرہ کے لیے اوارڈز سیزن شروع ہو رہا ہے,
अवार्ड्स अवार्ड्स लेते लेते थक गया हूँ. थैंक यू गाइस. थैंक यू. हेलो. हमने तो उसी दिन देख ली थी जब ही स्क्रीन की. बहुत ही अच्छी फिल्म है. बहुत प्यारी फिल्म है. बहुत ही अच्छी. मेरे लिए तो जब शक्ति कुमार ऑन स्क्रीन आते हैं तभी इतना मज़ा आता है उनको देख के. आई थिंक सबसे ज़्यादा एंटरटेनिंग एक्चुअली ये आपको उनका कैरेक्टर देख के आपको पता चलेगा कि कितनी एंटरटेनिंग फिल्म है. हाय हाय हमें बताया कि आपने सॉन्ग प्रोग्राम किया. हाँ. वो बताया था आपने किसी को? किसी को नहीं बताया था. इट वाज अ सरप्राइज. आपने देखा? जी वही हमें बताया किसी ने. लेकिन उन्होंने ज़ारा ने कुछ नहीं बताया. हाँ मैंने लास्ट का जो सॉन्ग आता है मूवी में सेक्सी वाली वो कोरियोग्राफ किया था. एंड आई केम टू बॉम्बे एज अ डांसर. Do Dangal happened and I became an actor. But dance is definitely my first love and I'm so thankful to Amir sir, Advait and Shamat. Un logon ne jab ye decide kiya ki and Fatima also. Jab in logon ne bola choreograph karo to I thought that mazak kar rahe hain. But I'm very grateful and happy ki mereko ye opportunity mili. Hamari chori bahut talented hai. After this success in fact what I have to say, पता नहीं शायद खुद के गाने कोरियोग्राफ करूँ आगे फ्यूचर में. थोड़े प्रोड्यूसर्स के पैसे बचा दें. फातिमा दंगल में आमिर की बेटी बनी थी. फिल्म बहुत सक्सेसफुल रही. अब आप थम्स अप हिंदुस्तान में काम करें उसके बारे में जानना चाहेंगे. किस तरह का किरदार है? क्या क्या प्रोग्रेस है फिल्म की? शायद मैं आपने एक बार शूट करने देखा था आमिर का. आपने देखा? अच्छा लुक पे गेटअप में. अच्छा आपने देखा. मैं ज़्यादा कुछ बोल नहीं सकती हूँ कैरेक्टर के बारे में. बट अभी टाइम है. काफ़ी टाइम है. अगले साल रिलीज होगी. तो आई एम वेरी हैप्पी वेरी एक्साइटेड एंड आई एम वेरी फॉर्चुनेट टू बी वर्किंग विद अमित सर. ही इज़ अ लेजेंड और उनके साथ काम करने मिल रहा है. और विक्टर सर बहुत अमेजिंग डायरेक्टर है. आपकी भी फिल्म साइन हो गई है. फोटोग्राफ मैं मूवी कर रही हूँ नवाजुद्दीन सिद्दीकी के साथ. और डायरेक्टर रितेश बत्रा हैं जिन्होंने लंच बॉक्स और अभी आर सोल्स एट नाइट बनाई. अभी शूट चल रहा है और बहुत मज़ा आ रहा है. की कमी है. आप लोग भी काफ़ी उदास लग रहे हो क्या? एकदम सीरियस. रात को 11 बज गए. शूट कर कर आए. थोड़ा थके. मेरा कल शूट है एक्चुअली. किसका? मैं बहुत शार्प हूँ. मैं बहुत चालाक हूँ. मैं एकदम शातिर हूँ. देखती हूँ. समुराई बन चुकी हूँ. हाँ जी. अरे ये आप ही बोल रहे हो. और कोई बोलता नहीं है. अभी तो आप तो मतलब चलो चलो दोस्तों रात हो गई. गुड नाइट. इसे इसे थोड़ा सा और थोड़ा सा क्लोज इस तरह साइड. थैंक यू. अरे आप बोलो. क्या हुआ? वो तो सामने. हां तो इमोमेंट नहीं. हां इधर इधर वो हमने क्या कर रहे हैं? आई यू लव दैट. साथ में
लड़कों का भी होता है फिल्टर या नहीं? क्या बोल रहे हैं? हाय हाय हाउ आर यू? अरे मैं फिल्म के बारे में बात करते हैं ना? जी जी मुझे बताइए सर। बहुत यस ऑफ कोर्स। हाउ वाज द रिएक्शन एंड व्हाट यू फेल्ट अबाउट इट? आई थॉट इट वाज एन अमेजिंग फिल्म। आई थिंक द टॉपिक दैट इट डेल्ट विद, आई थिंक अद्वैत हैंडल्ड इट विद इमेंस ईज एंड रियली रियली वेल। आई थिंक गिविंग अ मैसेज अक्रॉस, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट हाउ यू गिव इट, एंड इट रियली टच्ड अ लॉट ऑफ कोर्ड्स। द परफॉर्मेंसेस वर फैंटास्टिक एंड आई थिंक आमिर सर वॉज जस्ट फिनोमिनल। अरे बिल्कुल, बहुत इम्पैक्टफुल मैसेज है, बहुत इम्पॉर्टेंट मैसेज है। द फैक्ट दैट देयर इज अब्यूज लाइक दिस दैट हैपेंस इन द कंट्री, तो आई थिंक इट्स अमेजिंग दैट अ फिल्म लाइक दिस मिस्टर आमिर खान कैन बैक गेट आउट देयर। इट रियली रीचेस अ लॉट मोर प्लेसेस। यार मेंटेनिंग, थैंक यू। You also look good. थैंक यू सो मच। एंड वी रियली वॉन्ट टू थैंक हमारी ऑडियंस को, हम थैंक यू बोलना चाह रहे हैं कि इस फिल्म को इतना प्यार दिया, इतनी मोहब्बत दी, लोगों को इतनी पसंद आ रही है और हमें बेहद खुशी है इस बात से। थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक यू। वापस एक बार साथ में काम करेंगे? अब इतने बोला है कि मतलब वापस से और गाना भी बुलाऊं? नो नो, आई वुड लव दैट। आई होप कि जो अगली कहानी अद्वैत लिखते हैं वो उसमें मुझे भी एक मौका मिले दोबारा और हम सबको दोबारा मौका मिले। फिंगर्स क्रॉस्ड। यू सेड लाइक ही इज अ सीक्रेट सुपरस्टार फॉर यू। जी व्हाट इट मींस? नो, आई सेड ही इज अ सीक्रेट सुपरस्टार फॉर मी एंड आई सेड किरण मैम इज आल्सो अ सीक्रेट सुपरस्टार फॉर मी। व्हाटएवर आई हैव लर्नड टुडे, व्हाटएवर आई हैव बीन एबल टू डू हैज बीन बिकॉज ऑफ व्हाट आई हैव लर्नड फ्रॉम आमिर सर एंड किरण मैम। एंड आई एम रियली लकी दैट आई हैड दीस टू पीपल इन माय लाइफ एंड आई कंटिन्यू टू डू सो। एंड वी आर लकी टू हैव हिम इन आवर लाइफ। ये सफलता क्या मायने रखती है आपके लिए? बहुत मायने रखती है क्योंकि ये एक फिल्म है जो हमने अपने दिल से बनाई थी और जब लोग इस फिल्म को देखते हैं और इतना पसंद करते हैं और हर तरफ से, चाहे वो क्रिटिक्स हों, चाहे वो ऑडियंस हो, चाहे हमारे बिरादरी के लोग हों, सभी को इतनी पसंद आई है तो बेहद खुशी होती है हमें। और जो हमने काम किया है, सभी ने जो काम किया है, लोगों को इतना पसंद आ रहा है और जिस चीज़ के लिए एज अ क्रिएटिव एज क्रिएटिव पीपल जिस चीज़ के लिए हम काम करते हैं वो यही चीज़ है और बहुत खुशी हो रही है। ज़ायरा आप कुछ कहना चाहेंगे? मैं बोल चुकी हूँ, ऑल आई कैन से इज थैंक यू, नॉट जस्ट टू देम बट टू ऑल द पीपल जिन्होंने फिल्म को इतना प्यार दिया है। नेक्स्ट स्टेप सोचते हैं। थैंक यू गाइस। थैंक यू। सर एक सर वीडियो टुगेदर।